लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, अर्थात एक चर वाले रैखिक समीकरण। इस चैप्टर के प्रश्नावली 8.2 के पार्ट वन और पार्ट टू वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 1 से लेकर प्रश्न संख्या 4 तक के प्रश्नों को हल किया है। आज हम उससे आगे के प्रश्नों को हल करने जा रहे हैं। प्रश्न संख्या 5 है, दो अंकों वाली एक संख्या के अंकों का योग 9 है। इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या दी गई संख्या से 27 अधिक है। दी गई संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहां हम देख रहे हैं कि ये जो संख्या है ये दो अंकों वाली है, दो अंकों वाली संख्या है। तो मान लिया कि अभीष्ट संख्या का एक अंक x है। चूंकि दोनों अंकों का योग 9 है इसलिए दूसरा अंक हो जाएगा 9 घटाओ x, ठीक है। अतः जो संख्या होगी वो हो जाएगी 10 गुना 9 घटाओ x जोड़ x। इसे तो आप समझ गए होंगे, मैं फिर से दूर इससे पहले वाले प्रश्न में मैंने बताया था, मैं पुनः बता रहा हूं। मान लीजिए कोई हमारा दो अंकीय संख्या है 52, तो इसे हम विस्तार से कैसे लिखते हैं, इसे हम लिखते हैं 10 गुना 5 जोड़ 2। तो ये वाला होता है दहाई का अंक और ये वाला होता है इकाई का अंक। ये दहाई का अंक और ये इकाई का अंक। तो ठीक इसी तरह से क्योंकि यहां दोनों अंकों का योग 9 है इसलिए पहली हमने लिया है x और दूसरा 9 माइनस x। तो अब संख्या को हम लिख रहे हैं तो 10 इंटू 9 माइनस एक्स, ये एक अंक हमने लिया। ये है हम मान रहे हैं कि ये वाला हमारा दहाई का अंक है और ये वाला इकाई, ये हम मान रहे हैं। दोनों में से किसी एक को मान सकते थे। तो ये हो गया 10 गुना 9 घटाओ x जोड़ x, दूसरा जो अंक होगा यहां आ जा रहा है, ठीक है। तो अब जब हम अंकों के स्थान बदल देते हैं तो जो प्राप्त संख्या होगी, तो देखिए हम x यहां ला रहे हैं दहाई वाले जगह में और 9 माइनस x को इकाई वाले जगह में, तो ये आ गया 10x प्लस 9 माइनस x। देखिए हमने अंकों का स्थान बदल दिया है। अब जो शर्त दे रहा है वो है कि इस संख्या के अंकों के स्थान बदलकर प्राप्त संख्या, प्राप्त संख्या कौन सी है, ये वाली है, दी गई संख्या से 27 अधिक है। तो दी वाली दी गई संख्या ये है, अर्थात जो प्राप्त अंकों का स्थान बदलकर जो प्राप्त संख्या है घटाओ ये जो संख्या है इसे लिखते हैं, बराबर 27 होता है। अब इस समीकरण को हम हल करके x का मान ज्ञात करेंगे। तो देखिए ये 10x प्लस 9 माइनस एक्स और ये माइनस हो गया। अब इससे हम गुना कर ले रहे हैं, 10 इंटू 9 90 माइनस 10 इंटू एक्स 10x, और ये जो बड़ा ब्रैकेट है अब ये हटा रहे हैं तो ये प्लस हमारा माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां देख रहे हैं 10x प्लस 9 माइनस एक्स माइनस, अब ये ब्रैकेट भी हम हटा रहे हैं, तो जब ब्रैकेट हटा रहे हैं तो इससे पहले ये माइनस का चिन्ह है, तो ब्रैकेट हटाएंगे तो ये अंदर का जो माइनस है चिन्ह है वो प्लस में बदल जा रहा है। तो ये हो गया माइनस 90 प्लस 10x माइनस एक्स बराबर 27। अब यहां देख रहे हैं ये 10x, ये 10x 20x, और इससे ये 1x घट गया 19x और फिर 1x घट गया तो 18x, तो ये 18x हो गया। और यहां है प्लस 9 और ये माइनस 90, तो ये हो जाएगा हमारा माइनस 81 और इसकल टू 27 है।
अब हम यहां क्या कर रहे हैं कि समीकरण के दोनों ओर 81 जोड़ दे रहे हैं। तो देखिए यहां 81 जोड़ दिए और यहां भी जोड़ दिए, इससे क्या हुआ, ये -81 और +81 ये कैंसिल हो गया। तो क्या आ गया अब अगला स्टेप में, 18x बराबर 108, 27 और 81 को जोड़ेंगे तो 108। अब इस समीकरण में हम दोनों ओर 18 से भाग दे रहे हैं, ये हमने भाग दे दिया तो ये आ गया x बराबर 6। तो x का मान निकल गया है, अतः अभिष्ट संख्या, अभिष्ट संख्या हमने क्या माना था, 10 × 9 − x + x। तो ये 10, 9 माइनस एक्स की जगह 6 रखे, प्लस फिर x की जगह हमने 6 रखा, तो ये हो गया 10, 9 से घटाया 6 तो 3 आ गया, और प्लस 6 तो ये आ गया हमारा 36। तो अभिष्ट संख्या हमारी है 36। प्रश्न संख्या 6, मोना की मां की आयु मोना की आयु की तिगुनी है, 12 वर्ष के बाद मोना की मां की आयु मोना की आयु की दुगनी हो जाएगी, तो इसमें किसकी उम्र कम होगी, निश्चित रूप से मोना की उम्र कम होगी। तो हम मान लेते हैं कि मोना की आयु बराबर x वर्ष, तो मोना की मां की आयु क्या होगी, ये तिगुनी है अर्थात 3x वर्ष। अब 12 वर्ष के बाद, तो 12 वर्ष के बाद मोना की आयु हो जाएगी x प्लस 12, क्योंकि अभी वर्तमान में x है तो 12 वर्ष बाद उसमें 12 और जुड़ जाएगी। ठीक इसी तरह से मोना की मां की आयु हो जाएगी 3x प्लस 12। अब प्रश्न से क्या कहता है कि 12 वर्ष के बाद मोना की मां की आयु, तो मोना की मां की आयु 3x प्लस 12, ये क्या हो जा रही है, मोना की आयु की दुगनी, यानी मोना की आयु है x प्लस 12, तो ये हो जाएगी दुगनी यानी दो गुना। अब इस समीकरण को हल करते हैं, ये 3x प्लस 12 इसका टू, ये 2x प्लस 24 या, अब दोनों ओर हम 12 घटा दे रहे हैं समीकरण के दोनों ओर, 3x प्लस 12 माइनस 12 इसका टू 2x प्लस 24 माइनस 12, तो ये प्लस 12 माइनस 12 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 3x इसकल टू 2x प्लस 12। अब समीकरण के दोनों ओर हम 2x माइनस कर रहे हैं, तो ये 3x माइनस 2x इसकल टू 2x प्लस 12 माइनस 2x, तो ये प्लस 2x और माइनस 2x कैंसिल हो गया, तो हमारा x का मान आ गया 12। इसलिए मोना की आयु बराबर 12 वर्ष और मोना की मां की आयु, मोना की मां की आयु ये हो जाएगी 3x है, 3x यानी 3 × 12 यानी 36 वर्ष। प्रश्न संख्या 7, अभय के पिता की आयु अभय की आयु की तिगुनी है, 10 वर्ष पहले अभय के पिता की आयु अभय की आयु के 5 गुनी थी, दोनों की आयु ज्ञात कीजिए। तो पहले की तरह हम अभय की आयु चूंकि कम है इसे मान ले रहे हैं x वर्ष, तो अभय के पिता की आयु हो जाएगी 3x वर्ष। अब 10 वर्ष पहले अभय की आयु क्या होगी, वर्तमान में x है तो x घटाओ 10, मतलब अभी जो उम्र है उससे 10 वर्ष कम होगी, तो 10 वर्ष कम का मतलब 10 घटा दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से अभय की पिता की भी आयु होगी 3x माइनस 10। तो प्रश्न में क्या कह रहा है कि 10 वर्ष पहले उसके पिता की आयु अभय की आयु की 5 गुना थी, तो ये हमारा ये समीकरण आ गया, ये समीकरण।
अब इस समीकरण को हमने हल कर दिया है, इसे आप स्वयं देखकर समझने की कोशिश करें। अगर इसके बाद भी समझ में नहीं आए तो अपने शिक्षक की सहायता लें। प्रश्न संख्या 8। विद्यालय से कुछ बच्चे पिकनिक मनाने गए हुए थे, उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, एक तिहाई घूम रहे थे तथा शेष 14 बच्चे खाना बना रहे थे। पिकनिक के लिए कितने बच्चे गए थे? मान लिया कि पिकनिक के लिए गए बच्चों की संख्या x है, तो उनमें से आधे बच्चे खेल रहे थे, आधे यानी x/2 ये खेल रहे थे, एक तिहाई घूम रहे थे, एक तिहाई यानी x का एक तिहाई यानी x/3 ये खेल रहे थे, ये घूम रहे थे, ये खेल रहे थे, और शेष जो बच गए 14 बच्चे वो खाना बना रहे थे। तो इन तीनों को जब हम जोड़ रहे हैं तो बच्चों की कुल संख्या आ जा रही है। तो अब इस समीकरण को जब हम हल करेंगे तो हमारा x का मान आ जाएगा। देखिए इसे हमने हल कर दिया है, इसे आप स्वयं देखकर समझने की कोशिश करें, और इसके बाद भी कोई दिक्कत होती है तो अपने शिक्षक से पूछकर इसे समझने की कोशिश करें। प्रश्न संख्या 9। आयताकार विद्यालय परिसर की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 5:3 है। विद्यालय परिसर के चारों ओर बांस का घेरा लगाने में 15 रुपये प्रति मीटर की दर से कुल 4,800 खर्च हुए। विद्यालय परिसर की लंबाई तथा चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो मान लिया कि विद्यालय परिसर की लंबाई 5x है और चौड़ाई 3x मीटर। तो परिमाप हम लोग जानते हैं, चूंकि आयताकार है विद्यालय परिसर तो इसका परिमाप क्या होगा, परिमाप यानी घेरा, 2 गुना लंबाई जोड़ चौड़ाई। तो लंबाई हमारा 5x है और चौड़ाई 3x है। तो इस तरह से जो परिमाप है विद्यालय का, विद्यालय परिसर का या घेरा कहें, वो हो गया 16x। अब 1 मीटर प्रति मीटर यानी 1 मीटर का खर्च आ रहा है घेरा लगाने का 15 रुपया, और ये पूरी जो पूरा जो घेरा है वो 16x है। तो यानी कुल खर्च आ जाएगा 15 × 16x रुपया, अर्थात 240x। लेकिन प्रश्न में हमारा कुल खर्च दिया हुआ है 4,800 रुपया, यानी ये 240x और ये 4,800, ये दोनों बराबर होना चाहिए। तो प्रश्न से हमने लिखा 240x बराबर 4,800। अब क्या कर रहे हैं कि इस समीकरण में दोनों ओर 240 से भाग दे दे रहे हैं, तो इससे हमारा x का मान आ गया 20। इसलिए विद्यालय परिसर की लंबाई हो गई 5 × 20, चूंकि 5x था, 100 मीटर, और विद्यालय परिसर की चौड़ाई आ गई 60 मीटर। प्रश्न संख्या 10। संख्या 40 को 2 भागों में इस प्रकार बांटें कि पहली संख्या का 1/5 भाग दूसरी संख्या के 1/3 भाग के बराबर हो। तो मान लिया कि पहली संख्या x है, तो दूसरी संख्या क्या होगी, 40 × x, क्योंकि 40 को ही तो ही हम 2 भाग में बांट रहे हैं। प्रश्न से पहली संख्या का 1/5 भाग, यानी पहली संख्या हमारी x है, तो इसका 1/5 भाग हो जाएगा x/5। ये बराबर है किसके, दूसरी संख्या के 1/3 भाग का, यानी दूसरी संख्या ये हुई, इसका 1/3 ये हो गया, ये बराबर है। अब इसे हल करेंगे हम इस समीकरण को, तो समीकरण के दोनों ओर हम 15 से गुना कर रहे हैं, ये 15 × x/5 और ये 15 ×
40 घटाओ x बटा 3, तो ये 5 से 15 कटेगा तो ये 3 बार में, और ये 3 से 15 को काटेंगे तो 5 बार में। तो यहां हमारा आ जाएगा 3x इक्वल टू, ये 5 से गुना हो जाएगा 200 माइनस 5x। अब इस समीकरण के दोनों ओर हम 5x जोड़ दे रहे हैं, 3x प्लस 5x इक्वल टू 200 माइनस 5x प्लस 5x। तो यहां माइनस 5x और प्लस 5x कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8x इक्वल टू 200। अब इस समीकरण के दोनों ओर हम 8 से भाग दे दे रहे हैं, तो x का मान हमारा आ जा रहा है 25। इस तरह से हमारी जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या ये होगी 25, और दूसरी संख्या ये हो जाएगी 40 घटाओ 25 इक्वल टू 15